साथियों वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल GS Online ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे YouTube चैनल GS Online को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा चलिए सभी लोग बताइए आवाज वगैरह क्लियर है जी बताएंगे चलिए सभी को वालेकुम अस्सलाम जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एमडी शादाब आलम मोहसिन अहमद जे ऐश्वर्या सिंह ुल्फ़कार जिया जे सभी का वेलकम है सादिया खातून तबस्सुम मुनीब आलम साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू के अहम महक्की में से दो महक् एक ज्ञानचंद चंद जैन और एक जमील जालिबी के बारे में जानेंगे और इन्हीं से मुतालिक एक छोटा सा जो है ना एम सी क्यू बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं जी चलिए शुरू करते हैं एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर मैं बात करूं ज्ञान चंद जैन तो इनका असल नाम था ज्ञान चंद और ये तखलुस क्या करते थे गाफिल क्या तखल्लुस क्या करते थे गाफिल और इनके वालिद का नाम था लाल बहाल सिंह क्या नाम था लाल बहाल सिंह पैदाइश पैदाइश जो है इनकी वो सीहार जिला बिजनौर और बिजनौर पड़ता है यूपी में 1923 सौ ईस्वी को हुई थी और वफात जो है ना 2007 हजार ईस्वी में कैलियो फ्योरिया में इनकी साथियों क्या हुई थी वफात हुई थी ये क्लास सी के लिए नहीं है बाकी उर्दू अदब के लिए क्लास है ज्ञान जैन की शोहरत माहिर गालिबियात के तौर पर थी और ये एक शायर भी थे यानी माहिर गालिबियात में इनका शुमार होता है और साथ साथ ये एक शायर भी थे कौन ज्ञान जैन ज्ञान जैन जम्मू यूनिवर्सिटी के शोभा उर्दू में उन्नीस में शोभा के पहले सदर मुकर हुए यानी जम्मू यूनिवर्सिटी में शोभा उर्दू में ये साथियों शोभा उर्दू के क्या थे सदर मुकर हुए और कब हुए उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी में ठीक है ना उसके बाद ज्ञानचंद जैन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी से उन्नीस सौ उनासी तक उर्दू के प्रोफेसर रहे ठीक है उसके बाद ज्ञानचंद जैन ने अपनी पहली गजल 1937 ईस्वी में ईस्वी के कलमी नाम से लिखी थी क्योंकि इनका जो तखल था ना वो साथियों था तो इन्होंने जो पहली गजल लिखी है 1937 में तो वो राफिल के कलमी नाम से इन्होंने लिखे उस पे गाफिल का नाम इन्होंने जिक्र किया है ज्ञानचंद जैन ने जम्मू में क्याम के दौरान तबसीर गालिब के वनवान से गालिब की मुकम्मल क्या की थी मनसूख कलाम की शरह लिखी थी ये अब ध्यान दीजिएगा तफसीर गालिब के नाम से शरह किसने लिखा तो ज्ञान जैन ने उसके बाद तसानीफ तसानीफ में साथियों आप देख सकते हैं कि ये तसानीफ इनकी है उर्दू का अपना उरूज ये इनकी किताबें हैं गालिब शनास मालिक राम तफसर गालिब रमूज गालिब

साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्नीस ईस्वी में क्या क्या गया नवाजा गया था और ज्ञानचंद जैन को पद्मश्री से 2002 हजार ईस्वी में नवाजा गया था यह हमने ज्ञानचंद जैन के बारे में जाना अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मुकम्मल हयात जमील जालिबी के बारे में जमील जालिबी असल नाम था इनका मोहम्मद जमील खान और इनके वालिद का नाम था मोहम्मद इब्राहिम खान पैदाइश जो है साथियों 12 जून उन्नीस सौ उनतीस ईस्वी को अलीगढ़ में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 18 अप्रैल 2009 हज़ार नौ ईस्वी को कराची पाकिस्तान में हुई थी किनकी जमील जालिबी की और एक बात याद रखिएगा कि जमील जालिबी जो है ना वो उर्दू के महकिन में उनका शुमार होता है नौ के नाकदिन में जमील जालिबी ने इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में हासिल की थी जमील जालिबी ने तकसीम हिंद के बाद उन्नीस में अपने भाई अकील खान के साथ पाकिस्तान आकर कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली उन्नीस में साथियों फैज़ अहमद फैज भी चले गए थे पाकिस्तान उसके बाद जमील जाली भी उन्नीस ईस्वी में कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उन्नीस ईस्वी में मुतदरा कौमी जबान जिसका के साथियों अभी जो मौजूदा नाम है

जमील जालिबी की जो किताब है उसको एक नजर देख लिया जाए कि तसानिफ में आता है तनकीद तजिया नई तनकीद मुआसिरे अदब अदब कल्चर और मसाइल मोहम्मद तकी मीर दीवान नुसरती दीवान शौकी कदीम उर्दू की लगत नून मीम राशिद एक मुताला कौमी अंग्रेजी उर्दू लगत बच्चों का अदब अदबी तहकीक खूबी बजम खुश नफसा बोतिका और बारह कहानियां ये जो किताबें हैं साथियों ये सारी की सारी किन की है जमील जालिबी की है जे अब उसके बाद आगे है कि मारूजी सवाल में हम लोग देखते हैं छोटा सा सेशन है ये बहुत बड़ा सेशन नहीं है मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहां हुई थी चलिए बताइए लखनऊ में दिल्ली में लाहौर में मेरठ में मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू के नाम से याद किया जाता है और इनकी पैदाइश के बारे में आपको बताना है तो मौलवी अब्दुल हक जो है इनकी पैदाइश साथियों कहां हुई थी मेरठ क्या होगा आपका राइट आंसर मेरठ यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गालिब के तमाम मुदउन और गैर मुदउन कलाम का मुरतब कौन है काजी अब्दुल वदूद इम्तियाज अली अर्शी मालिक राम ज्ञान चंद्र जैन क्वेश्चन को समझिए यानी वो कौन है जो मिर्जा गालिब की जितनी भी किताबें थी उन तमाम को मुरतब किया यानी उसको तदवीन किया और मुरतब किया तो ध्यान दीजिएगा उसमें साथियों नाम आता है इम्तियाज अली खान अर्शी का ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इम्तियाज अली अर्शी ने जा जैल में कौन सी किताब मुरतब की है कुलियाते इकबाल रानी केतकी की कहानी दस्तूर आशिक मजमु नग्ज तो इम्तियाज अली खान अरशी ने रानी केतकी की कहानी जो साथियों दास्तान इंशा उल्ला खान इंशा की इसको इन्होंने साथियों क्या क्या मुरतब किया एक बात और याद रखिएगा रानी केतकी की कहानी औदे बान को भी मौलवी अब्दुल हक ने भी मुरतब किया है तरतीब दिया है तफसीर गालिब के से दर्ज में से किस महक ने गालिब पर किताब लिखी ज्ञान चंद जैन ने, वदूद ने इम्तियाज अली अरशी ने रशीद हसन खान ने क्या पूछा गया तफसीर गालिब के ऊनवान से दर्ज जैल में से किस महक् ने गालिब पर किताब लिखी तफसीर गालिब के नाम से साथियों किसने लिखी तो वो लिखने वाले हैं कौन तो ज्ञानचंद जैन क्या ज्ञान चंद जैन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मुंदरजा जैल में मुसनफिन में महक् कौन है देखिए महक् और नाकिद दोनों में मैं बार बार फर्क आपको समझा रहा हूं यहां पे पूछा गया महक् कलीमुद्दीन अहमद एहतम हुसैन रशीद हसन खान आल अहमद सुरूर देखिए एहतिशाम हुसैन ये उर्दू के तरक्की पसंद नाकिद में इनका शुमार होता है कलीमुद्दीन अहमद भी उसी में है आल अहमद सुरूर भी है लेकिन रशीद हसन खान जो है ये साथियों उर्दू के महक में इनका शुमार होता है साथियों ये छोटा सा सेशन था आपके लिए अब यहां पर कुछ मैं और भी डिस्कशन करना चाहूंगा जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों मैंने जो है अभी आपको जो पढ़ाया है जितनी चीज़ें मैं पढ़ाया हूं वो टॉपिक मैंने आपको उर्दू गजल के आगाज़ और इरतका के बारे में पढ़ा दिया है और मैंने आपको दास्तान के बारे में पढ़ाया और उर्दू के अहम जो गज़ल शुराय कराम है उसके बारे में पढ़ाया है और मैंने आपको उर्दू लिसानियात पर भी मैंने साथियों लेक्चर दिया है और मैंने आपको साथियों तनकीद पर भी मैंने लेक्चर दिया पढ़ाया आपको और उसके बाद मैंने आपको तहकीक पर भी मैंने पढ़ा दिया है अब जो हमारे साथ टॉपिक है ना साथियों इस पूरे सीरीज के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बताता हूं ध्यान दीजिएगा जिस टॉपिक को आप बोलिएगा मैं उसको कल से शुरुआत करूंगा ध्यान से समझिएगा अगर आप ये बोलेंगे कि सर उर्दू के कसीदा को पढ़ाइए या फिर आप मसनवी मसनवी निगार या फिर हो सकता है नाविल नाविल निगार के बारे में या फिर आप हो सकता है कि उर्दू के शौरा कराम के बारे में या फिर यहां पर दास्तान तो हो ही गया है ठीक है ना तो आप अगर इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में चाहते हैं कि कल से उस क्लास को शुरू किया जाए आप कमेंट कीजिए कि कौन से क्लास को शुरू किया जाए या फिर जितनी सारी चीजें मैंने पढ़ाई है उसका प्रैक्टिस सेट रिवीजन करा दिया जाए एक दो क्लास में उसके बाद शुरू किया जाए आप जिस तरह का डिमांड करेंगे मैं उस तरह ही साथियों करूंगा या आपको यह लगता है कि नहीं, नहीं आपको जो बेहतर ड्रामा के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं ड्रामा चोरा कराम ड्रामा ड्रामा के बारे में क्या आप लोगों का राय है ड्रामा के बारे में आपका सब्सक्रिप्शन कैसे लू ये वाला नंबर है ना इस पे या फिर इस वाले नंबर पे दोनों में से किसी पर भी बात कर लीजिएगा आपके हेल्प सर क्वेश्चन है मेरा टीजीटी -टी में चालीस प्रतिशत एक बार हटा है या आगे या आगे से फर्स्ट पेपर में चालीस प्रतिशत अभी तो वही दिया चालीस प्रतिशत जो है वो नहीं है अब आगे का क्या है वो ड्रामा ड्रामा पढ़ना चाहते हैं आप लोग कुछ लोग नावल पहले प्रैक्टिस सर लिसानियात के हिसाब हिस्सा बाकी है इसको पूरा कीजिए हाँ लिसानियात का ना यूजीसी नेट लेवल का जो है कुछ चीज़ें बाकी है तो ऐसा किया जाए ना जो चीज़ आधी अधूरी है उसको ही मुकम्मल किया जाए तब फिर आगे बढ़ेंगे तो मज़ा है जे अखबारत रिसाला पूरा हो गया है आपने कहा था एक वीडियो और आएगा देखिए जो बेसिक अखबार और रिसाला थे उसको मैंने पढ़ा दिया है देखिएगा तो अब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना चौरा तो कराम के बारे में उसके जिम्न में वो सब आ जाएगा जी ठीक है ना मॉक टेस्ट ठीक है एज यू लाइक सर ठीक है ठीक है हमारी कोशिश यह होगी कि उर्दू लिसानियात थोड़ा सा रह गया है और लेकिन देखिए वो लेवल काफी हाई होगा और हाई लेवल में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है लेकिन वो साथियों आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ठीक है ना तो लिसानियात हम शुरू करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि तनकीद और तहकीक कि जितने भी सारी चीजें पढ़े ना कल इस पर हम एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन ताकि रिवीजन भी हो जाएगा

आपका टेस्ट हो पा रहा है ना यू में सीटेट वालों का टेस्ट हो रहा है किसी का भी टेस्ट है, नहीं हो पा रहा है ठीक है ना तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द लगाएंगे मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम और कुछ क्वेश्चन आपके हो तो पूछ सकते हैं जी और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं ठीक है ठीक है कल जो है ना एक रिवीजन क्लास जितनी चीजें मैं पढ़ाया हूं उन तमाम को मिक्स करके एक हम बनाएंगे सीरीज और फिर उसको जो है ना हमारी कोशिश है कि ऐसे जो 108 क्वेश्चन कराया उसको नहीं कराऊंगा उसके अलावा तब फिर हम लिसानियात निखत मेरा भी कमेंट पढ़िए क्या कमेंट है भाई मैंने तो देखा है क्या कह रहे हैं गोपी चांद गोपी चंद नारंग और क्या करते हैं मंजू गोरखपुरी के बारे में पढ़ाइए गोपी चंद नारंग आएगा ना वो तो दूसरे टॉपिक में आते हैं ना जी चलिए कितना मार्क्स का देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में जो है ना ग्रामर कोई मानी नहीं रखता कभी कभी पांच मार्क्स का कभी है, कभी दस भी रहता है कभी बारह भी रहता है कभी दो से तीन भी रहता है वो एग्जामनर पर मतलब डिपेंड करता है कि वो कितना क्वेश्चन आपको दे दे जी ठीक है चलिए अगर कोई भी क्या कहते हैं विदेश जाना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो भाई लोग भाई अभी किसी को विदेश मत भेजिए पढ़ने दीजिए लाइफ है तो अभी आप पढ़ के मेहनत करके सेट कर सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज़